हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको सिखाने वाले हैं बर्थडे सेलिब्रेशन एडिटिंग, कुछ नया सीखने के लिए आपके लिए। और फोकस दे के सीखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम अपना बैकग्राउंड ओपन करेंगे पिक्सआर्ट में। अब हम ऐड फोटो पे जाके अपने मॉडल को लेकर के आएंगे। कट टूल में जाकर के अपने बैकग्राउंड को कट आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा फास्ट वे में करते हैं। हमारा फ़ोटो बैकग्राउंड कट हो चुका है। अब हम बैकग्राउंड पर इसको थोड़ा ध्यान से एडजस्ट करेंगे। अब हम एफएक्स में जाकर फ़ोटो की क्लियरिटी को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि पिक्सआर्ट पे फ़ोटो की क्लियरिटी कम हो जाती है। एचडीआर में जाएंगे और फेड को थोड़ा बढ़ा देंगे और अनशार्प को थोड़ा कम कर देंगे। अब टाइम है अपनी केक वाली टेबल लाने का। इसको एडजस्ट करेंगे। अब जब केक आ चुका है तो पार्टी के लिए बंदे तो चाहिए, तो अब हम ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और वहां से पीपल की पीएनजी लेकर के आएंगे। मेरे ख्याल से इतने बंदे काफी हैं और थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ये लीजिए, बंदे भी एडजस्ट हो चुके हैं। अब हम ऐड फोटो पर क्लिक करके हैप्पी बर्थडे टेक्स्ट वाली पीएनजी लेकर के आएंगे। थोड़ा एडजस्ट करेंगे।
तो ये लीजिए, अब हमारी सिंपल एडिटिंग खत्म हो चुकी है। अब हम लाइट रूम में कलर करेक्शन करेंगे और ड्रॉ में जा कर के अब इस फोटो को सेव कर लेंगे। अब हम जहाँ हमने ये फोटो ऐड की है वहाँ पर सेंड पे क्लिक करके लाइट रूम में लेकर के आएंगे। और ये लीजिए, हमारी फोटो लाइट रूम में ओपन हो चुकी है। अब हम फोटो में कलर करेक्शन करेंगे। सबसे पहले हाईलाइट को कम करेंगे तकरीबन 66 तक। और वाइट को हम बढ़ा देंगे तकरीबन 65। फिर शेडो को बढ़ा देंगे तकरीबन 24 तक और ब्लैक को कम कर देंगे तकरीबन 31 तक। उसके बाद हम जाएंगे टेम्परेचर में और वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे तकरीबन 30 तक। और सैचुरेशन को कर देंगे कम, कुछ ज़्यादा नहीं, बस 10 से 11 तक। और उसके बाद हम अपनी फोटो में पिंकी स्टोन डालेंगे, इसलिए टिंट को बढ़ा देंगे तकरीबन 7 तक। उसके बाद मिक्स पर टैप करेंगे। अब हम फोटो में शाइन लाने के लिए सभी कलर्स में थोड़ी थोड़ी एडजस्ट करेंगे। कलर करेक्शन हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट टूल पर चलते हैं जिसमें क्लेरिटी को थोड़ा कम करेंगे तकरीबन 6 से 7 तक और विग्निटी को 9 तक कम कर देंगे। अब आपको ऊपर एक स्प्लिट टोन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और हाईलाइट को थोड़ा ब्लू स्टैंड में एडजस्ट करेंगे। और शेडो को थोड़ा येलो टोन में एडजस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट टूल पर जाकर शार्पनिंग को बढ़ा देंगे तकरीबन 56 तक। और रेडियस को बढ़ा देंगे 1.1 तक। डिटेलिंग को भी बढ़ा देंगे तकरीबन 25-39 और नॉइज़ रिडक्शन को भी 35 तक बढ़ा देंगे। तो ये लीजिए, लाइट रूम में कलर करेक्शन का काम ख़त्म होगा। अब हम दोबारा से पिक्सआर्ट में चलेंगे और यहाँ से फ़ोटो सेव कर देते हैं और पिक्सआर्ट में खोलते हैं। अब पिक्सआर्ट में फ़ोटो खुल चुकी है, अब टूल्स में जाकर एडजस्ट करेंगे। ब्राइटनेस को कम कर देंगे तकरीबन 22 तक और क्लेरिटी को बढ़ा देंगे बस थोड़ा सा 4 तक। और कॉन्ट्रास्ट को कम कर देंगे तकरीबन 10 तक।
फोटो सेव कर लेंगे। लो जी फोटो तुहाड़ी तैयार है। जे तुहानू वीडियो पसंद आई है तो एक बारी लाइक वीडियो नू जरूर करियो, ते तुहानू जे वीडियो ते कमेंट्स भी करके दसियो कहो जी वीडियो है। तो मैनू उम्मीद है तुसी सारे कमेंट करके दसोगे कि वीडियो तुहानू कहो जी लगी। जे तुहानू और भी यह जी वीडियो वेखनी ने तो चैनल नू सबसक्राइब कीजिए, बैल आइकन का बटन दबाइए और मैं चाहना तुसी सपोर्ट करो ताकि इस चैनल नू असीं अगे वधा सकीए।